देखिए, हमें आपको देख के लग रहा है ना हम बहुत खुश हैं। दो साल हम बिल्कुल खुश नहीं थे कि गणपति जी जैसे ही होता था हमें ऐसे खालीपन सा लगता था कि हमारे घर पे गणपति जी नहीं है। तो दो साल के बाद वापस हम गणपति जी को लेकर आए हैं और बहुत ही दोनों बहुत खुश हैं। 5 साल मन्नत रखी थी आपने, गणपति बाबा बैठाया था, इस बार भी कोई मन्नत रखी है? नहीं, इस बार हम लोगों ने ये सोचा कि जिंदगी भर बाप्पा आएंगे घर पे, और वैसे कोई मन्नत कुछ चीज़ हमेशा मांगने और देने से नहीं होता है। नो गिव एंड टेक दिस टाइम, इट इज़ ओनली फॉर हैप्पीनेस। हाँ बोलिए। तुम्हारा क्या था? किया है, गणपति जी भी फुल वाइट में आए इस बार। बिल्कुल, इस बार सब कुछ मैंने अकेले किया है। ये एक डेली सोप कर रही हैं, वहाँ पे विश कन्या बनी है, और मैं मंत्र से सब कुछ कर। जब घर पे आती तुम्हें बहुत डर लगता है कि ये वापस आ गई है, और अकेले अकेले करना पड़ा। लेकिन कुछ भी परमिशन लेने से पहले मुझे देबिना को कॉल करना पड़ता है, और ये जहाँ पे शूट करें। ये सबसे अच्छा इसमें क्या लग रहा है डेकोरेशन में, बताइए? सबसे अच्छा मुझे केले ये का लाइटिंग ये वाला मैंने किया आज ही, वो जो गोल लाइटिंग जो हेलो जो लग रहा है भगवान जी। लाइटिंग को करंट किसने दिया? मैंने 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 ये बनाया भी, मैंने अपने हाथों से बनाया वो। तुमने अपने हाथों से बनाया? हाँ, वो DIY है, वो एक्चुअली हुला हूप खरीदा। जो आप देख रहे हो वो मैंने अपने हाथों से नीचे से करा। अरे सीरियसली, वो हुला हूप खरीदा मैंने अमेज़न से, और प्रमोशन कर रहे हो अमेज़न का तुम। और फिर वो LED लाइट स्ट्रिप्स मैंने खरीदे, फिर और श्रद्धा मैंने खरीदा, और फिर उसको चिपकाया, शूटिंग वाले दादा से बोला चिपकाओ। काफी प्यारे लग रहे पापा, फुल वाइट एकदम पीस के साथ आए। व्हाइट एंड रेड इज़ अ वेरी बंगाली कलर, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हें भी अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक्चुअली बहुत सिंपल लेकिन प्यारा दिल से हमने किया है। खुद ही हमने हर चीज़ एक एक चीज़ यहाँ पे की है। और रात को एक्चुअली लेट हो गया था जब गणपति जी लेके आए, तो करीबन 12:30 बहुत एक वेट किया कि मैं आ जाऊँगी, अब तो आ जाऊँगी, लेकिन मैं आ नहीं पाई। और गुरमीत ने रोमांच के साथ जाके, हमारे फ्रेंड के साथ जाके सब कुछ कर दिया। मैं आके देखी कि गणपति बाप्पा ऑलरेडी बैठे हुए थे मुंह ढके हुए, एंड आज सुबह तो पूजा हो गया, खुल गए। आपकी भोग भी देख रहे हैं गणपति जी को चढ़ाए हुए। एक फैमिली होती है तो मज़ा वही होता है कि एक साथ खाना बनाना, एक साथ एंजॉय। एक्चुअली सबसे अच्छी बात यह कि घर पे जब लोग आते हैं, आजकल कल्चर ऐसा हो गया कि लोग बाहर से खाना मंगा लेते हैं और सबको खाना परोसते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। लेकिन हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि घर का खाना हो, ताकि सब लोग घर का खाना खाएं। और घर के खाने में देबिना का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये प्लान करती है कि यार इस बार पूरी बनेगी या सब्जी बनेगा, क्या होने वाला है। तो आई थिंक वो जो घर का जो टच होता है खाने का, वो सारे गेस्ट को मिलता है। पापा को भी अपनापन मिलता है घर का खाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो मतलब हमारे घर में बहुत लोग हैं, जैसे जिसका नाम गुरमीत चौधरी जैसा टाइप का, तो वो बहुत चाह रहे थे कि बाहर से खाना आ जाए तो बहुत इजी पड़ जाएगा। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं मम्मी, मैं चाहता हूँ कि बाहर से खाना आ जाए। नहीं बिल्कुल ही, मुझे तुमने घर का खाना तुमने ज़्यादा सोचा अच्छा था ना कोई आके बना देगा, पर मम्मी ने खुद बनाया, अपने हाथों से बनाया, और बहुत परेशानी भी हुई। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, आज के दिन अगर बप्पा को भी भोग उसी से ही चढ़ाएंगे, और उसी को ही हम गेस्ट को भी परोसेंगे। तो क्या क्या भोग आज चढ़ाए हैं बप्पा को? आज जो भोग चढ़ाया देबिना, आप अच्छे से बता पाओगे कि? तुम बताओ ना। नहीं तुमको तो बता नहीं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। ये है पूड़ी, ये है सब्जी, वो है खिचड़ी, कुछ मिठाई है यहाँ पे। ये घर का, ये तुम्हारा फेवरेट है इसीलिए बना है। बिल्कुल, और यहाँ पे डेकोरेशन जो आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल, लेकिन रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है। और ये बोलो, और ये मिठाई जो है काजू कतली, ये भी हमने अपने घर पे नहीं बनाया, ये बाहर से लेके आए हम, वो हल्द्वानी से आए। और ये हल्द्वानी से स्पेशली रोमांच मेहता लेके आए हैं, ये यहाँ पे मिलता है, बहुत ही टेस्टी मिठाई है। मैंने ऑलरेडी खा लिया जितना बनने, और ये जितना अभी आप खाली देख रहे हो ये देबिना खा चुकी है। और आपको तो बता ही दिया कि केला का जो पेड़ होता है वो गणपति जी के वाइफ होती हैं, और मेरी वाइफ जो है उनको भी मैं केले का पेड़ बना के सजा के लेकर आए। अब देख सकते हैं केले के पेड़ का हमने पत्ता जो है जो फील है वो हमने पत्ता ये रखा है। मुझे मारेगी ये? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
तो ये जो ऊपर जो आप देख रहे हैं केले का पत्ता, ये पेड़ है पूरा, ये नया वाला पत्ता है जो निकलता है ना, और ये जो पुराना वाला पत्ता है। और केला केला यहाँ पे रखा हुआ वो प्रशाद है, नहीं वो कच्चा केला है। हाँ तो तुम्हारे मैच कर रहे हैं ना, रख दो वापस। देखिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन है और बहुत धूमधाम से सब जगह पर मनाया जाता है। मैं एक्चुअली अपने होम टाउन गया हुआ था और स्पेशली मैंने डिसाइड किया था कि मैं फर्स्ट को किसी भी हालत में मुंबई वापस पहुंचूंगा। एक तो सबसे मुलाकात हो जाती है, सारे दोस्तों के घर जाना हो जाता है, सबसे मिलना हो जाता है, और जिस तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं किसी भी नए काम की, शुरुआत बप्पा का नाम लेकर करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे बप्पा हमारे पास आ रहे हैं और आगे के जो भी अगला एक साल, जब तक नेक्स्ट टाइम बप्पा नहीं आते तब तक वो साल हमारा बहुत अच्छा जाएगा। बस यही है कि बप्पा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और ऑफ कोर्स बहुत तैयारी है, तैयारी ना सेंस सारे दोस्तों के घर जाना, स्वीट्स लेके जाना। मैं स्पेशली मेरे होम टाउन से स्वीट्स लेकर आया हूँ, बहुत फेमस है वहाँ की, तो वहाँ से स्वीट्स लेकर आया हूँ कि मैं जिस भी फ्रेंड के घर जाऊँगा तो वो स्पेशल स्वीट्स लेकर जाऊँगा दोस्तों के लिए। हम लोग हमेशा से, शायद ही कोई ऐसा गणपति त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो जो हम लोगों ने एक साथ नहीं मनाया हो, एक फैमिली है, एक हिस्सा है। बहुत एक्साइटमेंट था, वो भी एक्साइटमेंट था कि तुझे किसी भी हालत में एक तारीख को पहुंचना ही पहुंचना है, तो मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊँगा, ऑफकोर्स सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। और कल से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, बिकॉज डेबिना शूट कर रही थी तो मैं और गुरु ही जाकर गणपति जी देख रहे थे, या घर में जो भी तैयारी करनी थी वो, या खाना पीना थोड़ा जो भी था वो देख रहे थे। तो ऑफकोर्स बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था, एक खुशी है दिल में बप्पा के आगमन से, और बस बप्पा का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे और ये दोस्ती, ये प्यार, ये सब हमेशा इसी तरह से बना रहे, वही एक दिल में अच्छा लगता है उसी चीज़ के। पापा हमेशा हर किसी की मुरादें पूरी करते हैं, आपकी कोई एक ऐसी स्पेशल मुराद है जो पप्पा ने पूरी की है? सबसे पहले तो ऑफकोर्स ये शायद भगवान का आशीर्वाद ही है कि हमारे लिए एज एन एक्टर, मेरे फादर डॉक्टर हैं, वो हमेशा से चाहते थे मैं भी डॉक्टर बनूं, तो अपने दिल का काम करना, मेरे ख्याल से जो आपकी चाहत है अंदर से। कई लोग हमारे देश में या कहीं पर भी बिजनेस फैमिलीज़ में या किसी भी फैमिलीज़ में कई बच्चे जिनकी वो चाहत होती है वो चीज़ नहीं कर पाते, तो हमारे लिए तो शायद ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो चाहते थे हम वो कर रहे हैं। मैं एक्टर बनना चाहता था और आज मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं शोज़ कर रहा हूँ, टीवी शोज़ कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए शायद ये बप्पा का आशीर्वाद ही है कि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मेरी चाहत है। तो वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी विषय है, और आगे भी हमेशा मैं यही करता रहूँ क्योंकि एक्टिंग मेरा पैशन है और मैं यही चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर मैं यही करता रहूँ। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। Thank you so much.